This side Sweety Sharma. Welcome back to my channel. And the name of the channel is Sweety Sharma. बहुत टाइम पर आज आपके साथ ऑनलाइन बेस पर हम वीडियो शूट कर रहे हैं. अब तक के वीडियोस में आप लोगों ने पढ़ा होगा टाइमिंग टिप्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं. प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं. वो कैपिटल पार्ट हमने डिस्कस किया है, बट अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एसएससी की बंपर वैकेंसी जो कि सीएचएसएम डिपार्टमेंट के थ्रू अनाउंस की गई है, जिसकी ओपनिंग है 3 दिसंबर 2019 से. तो अब क्योंकि हाल फिलहाल में डिमांड में ये आया है कि एसएससी सीएचएसएम की जो वैकेंसीज हैं उसका आइडिया हमें नहीं है, हमें नहीं पता उसका एग्जाम प्रोसीजर क्या है, हमें नहीं पता उसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसीज आती हैं, किस लेवल पर जाकर बच्चा उस लेवल को फिल करेगा, कितने मार्क्स होने चाहिए, क्या कुछ हमारे एग्जाम्स में रहते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे. तो ये जिसका बेसिक पे आपको करीबन मिलेगा
not out. अब वही जो ये दिया है one man hand movement and mask, इसके लिए क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ऐसे तो कुछ भी नहीं आ जाएगा ना उत्तर, आपको पता होना चाहिए आपको पढ़ना क्या क्या किसके से अवेलेबल है। अब जो आपका टीओ वन में आपको सब्जेक्ट फीड करने हैं वो हमारे पास होते हैं कितने, देयर आर फोर सब्जेक्ट्स। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर, देयर आर फोर सब्जेक्ट्स। फर्स्ट वन जीके एंड जीएस, जनरल नॉलेज एंड जनरल। चार सब्जेक्ट और मार्क्स कितने, 200 मार्क्स। अब वो कैसे आएंगे, अब यहां पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो सारे के सारे सब्जेक्ट कैरी करते हैं कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 25 25 एंड 25। अब क्योंकि हमें पता है एसएससी में पहले एक क्वेश्चन एक नंबर का आता था, क्योंकि वहां पर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होते थे, 200, बट अब कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास है, 100। बट एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया है, 2 नंबर। Yeah.
synonyms मतलब similar words एक जैसे जो होते हैं, समानार्थी सैंपल में है। Second हमें antonyms भी पढ़ना है, opposite words, one word substitution अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फिर हमें थोड़े idioms and phrases भी पढ़ना है, जैसे हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियां कहते हैं। फिर very important phrasal verb and spelling errors, ये सब हमें वहां स्टडी करना है। अब मान लो कि किसी क्वेश्चन में या किसी पेपर में कॉमन एरर के मेरे पास दो क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्लीमेंट के दो से तीन क्वेश्चन है, तो कितना है पांच। फिल इन द ब्लैंक्स या क्रॉस मेंशन का मानकर चले कि हमारे पास आया भाई तीन या चार, ठीक है सेवन हो गए। उसके बाद अगर मैं बात करूं पैरा जंबल, जो कि पी क्यू आर एस फॉर्मेशन बोलते हैं, जिसमें हम अरेंजमेंट करनी होती है, रीअरेंज जब हम करते हैं, तो उसके लिए एक एक क्वेश्चन। बाकी जो वोकैबुलरी पार्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है वो मैंने आपको बता दिया। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, सीरियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब एंड वेरी लास्ट स्पेलिंग एरर्स। फिर भी अगर कोई डाउट आता है, हम बार बार आपको कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क व्हाट एवर यू वॉन्ट टू डिस्कस व्हाट। ये तो था इंग्लिश का टोटल सिलेबस जो हमें स्टडी करना है। और आपको कैसे बनाना है वो डे बाय डे हम जो प्रैक्टिस शीट्स अवेलेबल कराएंगे, वो प्लस जो टॉपिक्स हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए आप पहले पुराने वाले वीडियोस में जाइएगा, वहां पर आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल होगा। फिर भी अगर नहीं मिलता है तो आप लोग कमेंट कर देना, आपको लिंक उसका सेंड हो जाएगा। साथ के साथ अब जो बचा है मैथमेटिक्स, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग एंड जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज, उसके लिए करनी होगी आपको अलग से मेहनत, क्योंकि हम किस पर फोकस करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पर। ठीक है, आप डे बाय डे करके हम सिनोनिम्स का पार्ट पढ़ेंगे, एंटोनिम्स भी, वन वर्ड भी, इंग्लिश एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब और लिखवाएंगे हम, और याद कौन करेगा, डेफिनेटली आपको। वीडियो जैसा भी लगे वैल्यूएबल फीडबैक हमें जरूर देना। फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर चाहते हैं लॉन्ग लास्टिंग में जुड़ना तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए कंटेंट और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। बनोगे ना? नहीं।